शेयर निफ्टी में हम कल जो मैंने बताया था कि एक ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट लेगा, देखो मार्केट ने बिल्कुल मतलब उसी तरह ठीक ठाक चला, नीचे आया देन सपोर्ट, देन ऊपर की तरफ जा रहा है और ब्रेकआउट के पास इसने थोड़ा सा मतलब 12 पॉइंट नीचे गिरा है। लेट्स सी क्या होता है, कल इसने रिटेस्ट होने देना यहाँ पर, कम से कम इसको यहाँ से इस पे रिटेस्ट होने देना, देन अपसाइड का मोमेंट हम ट्रैक कर सकते हैं। और ये रिटेस्ट कहाँ पे होगा अपना, 16900 के पास, 16900 के पास आया आप एक कॉल ले लेना छोटी सी 17000 की। मुझे लगता है कल 100-200 पॉइंट्स की रैली आप आराम से दिख जाइए, आउट ऑफ द मनी भी लोगे तो अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है क्या लेना है क्या नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब क्या रह गया मार्केट में, ये जो रेजिस्टेंस है ना ये वाला 17000 वाला, ये क्यों है रेजिस्टेंस, मतलब थोड़ा देर से ब्रेकआउट देगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ 17000 की कॉल के लिए, 17000 पे जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस चेक करने ज़रूर आएगा मार्केट। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ से 100 पॉइंट्स की और रैली मिलेगी, मतलब कॉल इन द मनी हो सकती है 17000 की। कल 17000 की कॉल को डिप में बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और एक जो लॉन्ग, और एक जो ये लॉन्ग ट्रेंड लाइन है इसके पास भी मार्केट है, तो कल हम 17100 देख सकते हैं, 17200 भी देख सकते हैं, बट ये ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 17100 कल हमें मिल सकता है, तो इसको ज़रा ध्यान से ट्रेड करना। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या है, कल मैंने आपको ट्रेंड लाइन खिंचवाई थी और देखो ठीक उसी ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट अप हो गया, मतलब यहाँ का सपोर्ट लिया उसी बीच में चलता रहा और ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करी, और आज लगभग 400 पॉइंट की रैली आराम से दे दी मार्केट ने, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा मतलब 5 मिनट चार्ट्स में दिख रहा है, मार्केट वोलेटाइल था नो डाउट, बट ये था कि चला अच्छा मार्केट आज। और मैंने वैसे भी कहा था आपको कि यार फ़ायदा नहीं है इसमें ट्रेड करने, इतने बीच में जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा इस रेंज में बाय द डिप वाले को फ़ायदा हुआ होगा, ये नहीं कि जिसने पुट में जिसने यहाँ भी कॉल ली होगी ना उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा इस लेवल पे, इस लेवल जिसने कॉल लिया होगा वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। बाकी एंड में थोड़ी में थोड़ा सा मोमेंटम आ गया बस, तो इसी वजह से फेयर वेडनेसडे को कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। तो भी एक चीज़ रखना ध्यान में बैंक निफ्टी में, वो ये है कि ये जो है ना इधर इधर गैप फिल नहीं हुआ है, ठीक है। और जब इधर गैप फिल नहीं हुआ है तो गैप भरने तो आएगा, बट कैसे, हो सकता है कि आपको कल यहाँ भी मिल जाए मार्केट 3400-800 के पास मिल जाए, या इसे रख लेते हैं, ये इसको हम न्यूट्रल मान लेते हैं ना, इस लेवल को कल हम रेजिस्टेंस 35233 पहला ही रेजिस्टेंस रहेगा अपना, दूसरा नहीं। तो आप इसको ज़रा देख के ट्रेड करना, अगर ट्रेंड लाइन के पास से मिले ना सोचना मत उठा लेना ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन के पास, और मुझे लगता है यहाँ पे अगर शॉर्ट कवरिंग लगता है ना तो 34600 से उठा लेना, बाकी मुझे लगता है कल मार्केट बुलिश रहेगा। और ये 35500 की तरफ से 35600 आपको टारगेट मिल सकता है, कल बहुत बुलिश डे हो सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में, तो कल शॉर्टिंग मत करना, अगर हो सके तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बाहर निकल जाना, क्योंकि मेरे को चार्ट में बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर बुलिश होना है, अगर डिप मिलता है तो भी 16900 वहाँ मिल जाए तो ले लेना, यहाँ 35950-950 मिल जाए, 34950 मिल जाए सोचना मत उठाओ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।